दोस्तों भारतीय टीम की वजह से पूरे क्रिकेट जगत को लग चुका है बहुत बड़ा झटका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान का हो चुका है निधन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोगों को पता होगा क्रिकेट जगत में ऐसे कई सारे खिलाड़ी जिनको मैच के बीच में अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश की रणजी टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर अशोक जगदाले का सोमवार को इंदौर में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार के एक सदस्य ने यह जानकारी दी। जगदाले के छोटे भाई और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव संजय जगदाले ने बताया, उनके बड़े भाई अशोक जगदाले रविवार देर रात तक जग रहे थे। उनकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और अशोक जगदाले की हालत दिन पर दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई। और वहाँ पर पास के हॉस्पिटल में जब अशोक जगदाले को लेके गए तो उनकी हालत बिगड़ती चली गई और वो अस्पताल में ही अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अशोक जगदाले ने 76 मैच में 4 शतकों की पारी खेली है और उनके टोटल रन्स की बात करें तो 2954 रन। बहुत कमाल के बल्लेबाज थे और बल्लेबाजी नहीं, उन्होंने 182 विकेट भी लिए थे। बहुत बड़ा प्लेयर था अशोक जगदाले।